हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी एक कंप्यूटर लैब को सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप कंप्यूटर लैब के जो सारे के सारे कंपोनेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, कैसे कैसे कनेक्शन लगाते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो के बाद आपको हो जाएगा क्लियर और आप बना पाओगे कंप्यूटर लैब को। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक विजिट कराने वाला हूँ लैब में, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें पहले दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पीसी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से डिवाइसेस का यूज किया गया है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो पे बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर आपको एक लैब दिख रही है। इस लैब में किस तरीके से सारे के सारे आपके डिवाइसेस कनेक्ट हो रखी है, वो सारी चीजों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास करीब 16 पीसी लगे हुए हैं, और हर पीसी के पास में आप देखेंगे उसकी एक जो केबल है, वो केबल आपकी यहाँ पर कनेक्टेड हो रखी है। आप देखेंगे इस तरीके से ये फेस प्लेट के साथ में ये यहाँ पर केबल गई है दूसरे सिस्टम की। इस तरीके से हर सिस्टम की आप देखेंगे तो केबल यहाँ पर लगी हुई है, यानी पीसी जो कनेक्टेड है, इसकी जो ईथरनेट केबल, जो लैन केबल कनेक्टेड है, वो इन फेस प्लेटेड से कनेक्टेड हो रखी है। अब देखते हैं कि ये सारी फेस प्लेटें से जो अंदर से वायर है, वो इस तरीके से यहाँ से होते हुए आपकी इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसके अंदर अंदर से ये वायर गई है और वायर पहुंची है यहाँ पर। यहाँ से आप सारी के सारे जो 16 पीसी है, तो इसकी 16 वायर यानी 16 वायर जो है वो यहाँ से जा रही है, और यहाँ से जाने के बाद ये वायर पहुंची है इस कॉम रैक के अंदर, इसे बोलते हैं कॉम रैक। तो कॉम रैक के अंदर सारी की सारी वाइस आपकी जो वायर है वो पहुंच गई है, और सारी वाइस जो कनेक्टेड है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं किससे कनेक्टेड है। ये आपका है ये पैच पैनल बोलते हैं इसे, और पैच पैनल के जो बैक साइड है, बैक साइड में लगी हुई है सारी की सारी वायर, जो आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे जो बैक साइड में वो 16 वायर आके इस पैच पैनल में लगे। पैच पैनल के जो आगे की साइड है वो कनेक्टेड है आपके स्विच में, यहाँ पर स्विच से लगी हुई है, और स्विच से सारे पीसी में क्या है कनेक्टिविटी प्रॉपर जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी लैब जो है यहाँ पर कनेक्टेड हो रखी है। अब सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बनवा देता हूँ क्या क्या कंपोनेंट आपको सारे चाहिए होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें यहाँ चाहिए होगा एक, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, पीसी चाहिए। ये आपको ऑब्वियसली जो लैब बनानी है तो लैब के लिए आपको पीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आप ट्विस्टेड पेयर का नेटवर्क बना रहे हैं, आपको ट्विस्टेड पेयर चाहिए। अगर आप फाइबर का बना रहे हैं तो फाइबर चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पर स्विच, क्योंकि जब हमें क्या करना है, स्विच क्या है, एक मल्टीपल पोर्ट की डिवाइसेस है, यानी अगर आपको जब ज़्यादा पीसी जोड़ने हैं तो आपस में, तो आपको क्या चाहिए होगा, स्विच चाहिए होगा। इसके बाद आपको पैच पैनल चाहिए। पैच पैनल की नीड आपको किस लिए होती है, वैसे पैच पैनल की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये बीच में क्या है कि इंटरमीडिएट एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपका स्विच जो है पैच पैनल से कनेक्टेड होता है। पैच पैनल कनेक्टेड होता है बाकी सारे जो पीसी के अंदर जो वायर लगी हुई थी, जो फेस प्लेट से वायर आ रही थी उनके साथ में, ताकि आप पैच पैनल और स्विच के बीच की जो वायर है सिर्फ उन्हीं के साथ में आप इंटरेक्ट करते हो, उन्हीं के साथ में आप कनेक्शन को कभी भी टच करते हो, जिसकी वजह से आपका क्या है कि सिर्फ वही वायर खराब होगी जो आपका पैच पैनल और स्विच के बीच में। मैं आपको इसे आगे और डिटेल में समझाऊंगा, अभी फिलहाल हम लिस्ट बना लेते हैं। अगला हमें चाहिए कॉम रैक। आपको कॉम रैक चाहिए जहां पर आप अपना स्विच, पैच पैनल, इन केबल को सबको मैनेज कर सको। नेक्स्ट इसके बाद चाहिए आपको फेस प्लेट। अब आपको अभी मैंने दिखाया था आपको कि सिस्टम की जो केबल गई थी वो पैच पैनल से पहले जो है आपको कहाँ गई हुई थी, आपकी फेस प्लेट पर गई हुई थी। अब ये फेस प्लेट इस तरीके से मिल जाती है आपको, एक पोर्ट में भी आती है, दो पोर्ट में भी आती है, जैसी नीड है वैसी आप लगा सकते हो। इस फेस प्लेट के बैक साइड में, या फिर आपका जो पैच पैनल था उसके बैक साइड में कनेक्टर लगे होते हैं, जैक लगे होते हैं, जिसे बोलते हैं कीस्टोन जैक, जो इस तरीके के होते हैं। इनकी भी नीड होगी आपको, क्योंकि ये फेस प्लेट क्या है, सिर्फ एक आपको एक प्लेट टाइप से, इसके बैक में जो कनेक्टर आप यहाँ पर कनेक्ट कराओगे, केबल लगाओगे, वो कहाँ पर लगता है, एक्चुअली कीस्टोन जैक में, इस तरीके का देखने में ये होता है आपका। यहाँ पर इसके अंदर ये जो केबल होती है वो वायर इस तरीके से स्टिप होती है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर वायर को लगाते हैं, कैसे स्टिप करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वैसे आपका कैसा होता है ये कनेक्टर, इस तरीके से इसमें केबल लगाई जाती है। अगर आप देखेंगे ये फेस प्लेट की बैक साइड भी मैंने दिखाई है, आगे से इस तरीके की साइड होती है, बैक साइड में इस तरीके से आपका ये जो कीस्टोन जैक है वो लगा हुआ है, केबल इससे कनेक्टेड हो रखी है, आप आगे से यहाँ से केबल को कनेक्ट कराते हो। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया कि किस तरीके से आपका यहाँ पर वर्क करता है, तो आपकी जो केबल है वो किस तरीके से आती है, कंप्यूटर से होके आती है, जो कि आप देखेंगे कि ये क्या हमारे कंप्यूटर से आई हुई केबल है यहाँ पर, जो कि आपकी कहाँ लगती है, आपकी फेस प्लेट में लगती है। फेस प्लेट के बैक साइड में क्या लगा होता है आपका, की स्टोन जैक लगा होता है, की स्टोन जैक से भी केबल होके जाती है, और एक केबल आपकी कहाँ पहुँचती है, जाके आपके पैच पैनल पर, ये पैच पैनल है, पैच पैनल के बैक साइड में भी की स्टोन जैक होता है,
जहां पर ये केबल लगी हुई होती है, और आगे की साइड से आपका ये यहाँ पर क्या है, स्विच है, और स्विच से आप एक केबल को पैच पैनल से लगा देते हैं, जिससे हमारा जो अंदर की साइड में ये सारा कनेक्शन है इसे हम टच नहीं करते हैं। कभी भी जब हम टच करते हैं तो हम किसको टच करते हैं, जो हमारी ये बाहर की साइड में आपको केबल दिख रही है सिर्फ हम इसको टच करते हैं। अगर कभी भी खराब होती है तो क्या होगा, ये खराब होगी, यानी आपको अंदर की साइड में जो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो टच करने की नीड नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ से भी समझ लेते हैं, तो एक स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, जैसे कुछ पीसी हमारे ये लगे हुए हैं, इनकी वायर कहाँ कनेक्टेड है, आपकी फेस प्लेट पे, फेस प्लेट के बैक साइड में आपका कीस्टोन जैक लगा हुआ है, इसकी केबल जो है वो आपके पैच पैनल में गई हुई है, पैच पैनल से केबल आपकी स्विच में गई है। तो इस तरीके का लैब के अंदर आपको जो कनेक्शन है वो देखने को मिलता है, जो आपकी कनेक्टिविटी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि अगर हम ये सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम आसानी से लैब को बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की ओर, यानी हम देखते हैं कि जो हमने अभी कीस्टोन जैक देखा था उस कीस्टोन जैक में कैसे आप केबल को कनेक्ट कराते हैं, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से टूल की नीड पड़ेगी, यानी कि अगर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, हम अपने कीस्टोन जैक में अपनी केबल को कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से टूल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे कीस्टोन जैक चाहिए आपको, दूसरे नंबर पे आपको क्रिम्पिंग टूल चाहिए, पीवीसी कोटिंग स्ट्रिपर चाहिए, और ये पंच डाउन टूल चाहिए। इसके अलावा आपको ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिए, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए अब करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे टूल इकट्ठे कर लिए हैं, और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं केबल को स्ट्रिप। तो हम यहाँ पर पीवीसी कोटिंग स्ट्रिपर का यूज़ करके इस केबल को थोड़ा सा स्ट्रिप कर लेते हैं, ताकि जितना हमें ज़रूरत है कनेक्टर में जाने के उतना प्रॉपर हम यहाँ पर स्ट्रिप कर लेते हैं। तो केबल स्ट्रिप हो चुकी है, इसके बाद जो इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल ले लेते हैं और इससे इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो दो दो के पेयर पर ट्विस्ट हो रखे हैं वायर हैं, तो इन सारे का जो है ट्विस्ट जो है वो हटा देते हैं, हम इन सारे वायरों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे वायर को मैं अलग कर लेता हूँ। सारी वायर के अलग होने के बाद अब हम लेते हैं अपना कीस्टोन जैक। तो ये है मेरा कीस्टोन जैक, यहाँ पर हम इसका कवर हटा लेते हैं, यहाँ पर साइड में कवर रहता है तो इस कवर को हम हटा लेते हैं। कवर को हटाने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी वायरिंग लगनी है, जो हमारे 8 वायर हैं वो लगने हैं, उसकी कलर कोडिंग यहाँ पर दे रखी है अकॉर्डिंग टू ए और अकॉर्डिंग टू बी। अगर आपने लास्ट मेरी केबलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखिए, मैंने उसमें क्या होता है ये 568A 568B वो भी बताया, और यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग केबलिंग लिखी हुई है कि आपको ऑरेंज ग्रीन और वाइट ग्रीन आपको चाहिए हैं, कौन सी वायर कहाँ पर लगनी है वो प्रॉपर देखिए लिखा है, ग्रीन कहाँ लग रहा है या वाइट ग्रीन कहाँ पर लगना है। ऐसे दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाइट ब्लू से स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद ब्लू है, वाइट ब्लू के बाद ब्लू लगा के या फिर वाइट ब्राउन देन ब्राउन, तो कौन सा वायर कहाँ पर लगना है सारा यहाँ पर प्रॉपर दे रखा है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वायर को इस कनेक्टर में पहले तो हम क्या करेंगे, जो पिन है उसमें पहले टेम्पररी फिट कर लेंगे, जिससे जब हम यहाँ पर पंच कराएंगे तो पंच कराते समय मुझे कोई भी केबल को बार बार अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से वो पिन में होगी तो हमें पंच कराने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो जितनी भी वायर्स हैं उन सारी वायर को, जितनी भी हमारी पिन्स हैं, जो 8 पिन्स हैं, जो 8 वायर हैं, उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि एक हाथ से ही पहले पंच कर देते हैं, उसमें फंसा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं पहले वन साइड की सारी जो वायर हैं उनको यहाँ पर अटैच करा देता हूँ। तो ये वन साइड की वायर को इस तरीके से, अब ये एक लास्ट वाली भी अटैच करा देते हैं, और लास्ट वाली अटैच कराने के बाद हम आते हैं अब सेकंड साइड में। तो दूसरी साइड में अटैच करा लेते हैं यहाँ पर, दोनों साइड में अटैच करने के बाद फिर हम करेंगे इसे पंच। तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है ये लास्ट वाली, इसे भी कर देते हैं। ओके ठीक है, तो ये मेरी सारी जो वायर्स हैं वो इसमें अटैच हो चुकी हैं, अब हम करेंगे इसे पंच। तो जब भी आप पंच करेंगे तो इसके लिए कैसे करेंगे, आप खड़े होकर पंच करेंगे,
बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन खड़े होकर करने से क्या है कि आपका कोई भी डैमेज होने के चांस नहीं रहेंगे, और ये जो इसकी निकली हुई साइड रहती है वो कनेक्टर में हमेशा बाहर की साइड रहेगी। पंच डाउन टूल में आप देखेंगे तो एक साइड क्या निकली हुई है, उसे किधर रखेंगे आप, बाहर की साइड में। तो ठीक है, हम यहाँ पर पहले तो जो हमने केबल फंसाई थी उस पर हम ये पंच डाउन टूल को रखेंगे और इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर इसमें क्या है, यहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए, एक आपके आवाज़ आएगी कि आपका जो पिन है वो पंच हो गया है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसे पंच कर लेता हूँ और इसे मैंने यहाँ पर पंच कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी पंच करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाले को भी कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सेकंड वाला भी कर दिया, इसके बाद थर्ड वाला करते हैं। ओके, ये वाला भी कर दिया हमने, इसके बाद अगला करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी कर देते हैं। ओके, दैट्स डन आल्सो, एंड द नेक्स्ट वन इज ओके पंच इट। ओके, अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई एक बार में नहीं हो पाए तो आप उसे दोबारा भी कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है। तो ये हमने सारे के सारे यहाँ पर पंच कर दिए। अब इसका जो वायर एक्स्ट्रा वायर है उसे हम यहाँ पर हटा देंगे। थोड़ा सा आप इसे घुमाओ और हटा दो, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो आपके पंच डाउन टूल का निकला हुआ हिस्सा था वो क्या करता है, वो केबल को कट करता है। लेकिन थोड़ी बहुत केबल अगर लगी रह गई है तो आप उसे क्या करो, ऐसे घुमा के आसानी से निकाल दो। यहाँ पर फोर्स नहीं लगाना है, बड़े आराम से आपको इसे हटा देना है। तो इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आप देखेंगे सारे के सारे हमने यहाँ पर वायर हटा दिए हैं। अब इसका जो कैप है वो हम कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये कैप भी हमने यहाँ पर अटैच करा दिया। अब आप देखेंगे प्रॉपर एक केबल जो है हमारी बन चुकी है, इसे अब आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से बनाया जाता है आपका कनेक्टर। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।